और बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू कराते चले, जहां केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर को मिली जिम्मेदारी। चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक नियुक्त किए गए हैं नरेंद्र तोमर। आपको बता दें, एमपी विधानसभा चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक नियुक्त किए गए। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। आपको बताते चले कि चुनाव नजदीक है, चुनाव को देखते हुए तैयारियां भी की जा रही है और ऐसे में एक एक फैसले यहां पर लिए जा रहे हैं। एमपी विधानसभा चुनाव प्रबंध समिति के ये लेकर यहां पर जिम्मेदारी मिली है। चुनाव प्रबंध समिति के संयोजक नियुक्त किए गए हैं नरेंद्र तोमर और ऐसे में अब आगे और भी लोगों को जिम्मेदारियां मिल सकती है, अलग अलग तरह की जिम्मेदारी दी जाएगी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब समय कम बचा हुआ है, इसको देखते हुए तैयारियां काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। बीजेपी खासतौर पर अपनी योजनाओं और अपने पार्टी अपने संगठन में मजबूती को लेकर यहां पर एक्टिव दिखाई दे रही है, योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की कोशिश में लगी हुई है। साथ ही साथ अब यहां संगठन में कई तरह के बदलाव भी देखने को मिल रहे हैं, तो यहां बड़ी जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर को दी गई है। चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक नियुक्त किए गए हैं नरेंद्र तोमर, एमपी विधानसभा चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक नियुक्त किए गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास चंद्र फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विकास, चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक नियुक्त किए गए हैं नरेंद्र तोमर, ऐसे में अब इस जिस तरह से जिम्मेदारी दी गई है, इस जिम्मेदारी को किस दिशा में देखा जाए और आगे और भी कुछ ऐसी जिम्मेदारी दी जा सकती है दूसरे नेताओं को? जी निश्चित तौर पर, ये केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मध्य प्रदेश चुनाव के चुनाव प्रबंध समिति का जिम्मेदारी दी है, उसका उन्होंने संयोजक बनाया है और ये काफी बड़ी जिम्मेदारी मानी जाती है। और ये भी माना जाता है कि जब किसी को चुनाव प्रबंध समिति की जिम्मेदारी दी जाती है, उसका संयोजक बनाया जाता है, तो उसे आगे के नेता के तौर पर देखा जाने लगा जाता है। यानी कहा जाता है कि जो व्यक्ति चुनाव प्रबंध समिति का संयोजक बन जाए, अध्यक्ष बन जाए, तो उसे अगला मुख्यमंत्री माना जाता है। हालांकि नरेंद्र सिंह तोमर को लेकर काफी दिनों से खटखले लगाई जा रही थी कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, लेकिन अब उन्हें इस जिम्मेदारी देने से और जिम्मेदारी मिलने के बाद से यह साफ हो गया कि शायद वो प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाए जाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी आगामी विधानसभा चुनाव के लिए उन्हें दी गई है। और आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में पूरी ताकत से चुनाव के अभियान में लगी हुई है, चुनाव के प्रबंधन में लगी हुई है, क्योंकि बीजेपी की पूरी कोशिश है कि वहां फिर से उसकी सरकार आए। और बीजेपी का जो नेतृत्व है, ये मानता है कि लोकसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव जीतना बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और शायद यही वजह है कि अनुभवी नेता नरेंद्र सिंह तोमर को चुनाव प्रबंध समिति का संयोजक बनाया गया है और ये बड़ी जिम्मेदारी नरेंद्र सिंह तोमर को बीजेपी की तरफ से दी गई है। बिल्कुल, नरेंद्र सिंह तोमर को यहाँ पर बड़ी जिम्मेदारी दी है। अब इसी के साथ यहाँ पर ये भी अटकलें और बढ़ गई है कि जिम्मेदारियों का भार अभी और भी नेताओं को दिया जाएगा, ऐसे में इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? जी निश्चित तौर पर, देखिए कि मध्य प्रदेश के संगठन को लेकर के काफी चर्चाएं तेज हैं और ये बात भी सही है कि बीजेपी सभी प्रदेशों के और खासतौर पर उन राज्यों के संगठन में बदलाव कर रही है जहां पे आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे 5 राज्य हैं और उसमें बीजेपी के लिए सबसे महत्वपूर्ण राज्य मध्य प्रदेश है और वहां के अध्यक्ष को बदलने की बात सामने आ रही है। और जो बात आई तो उसमें आया कि या तो नरेंद्र सिंह तोमर को अध्यक्ष बनाया जा सकता है या फिर वहां से केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो अब प्रहलाद पटेल के नाम को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं, जैसे ही नरेंद्र सिंह तोमर को प्रदेश चुनाव प्रबंध समिति का संयोजक बनाया गया, तो अब अध्यक्ष की नियुक्ति होने वाली है। तो देखना ये होगा कि अब जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के हैं, वो किसे अध्यक्ष वहां का नियुक्त करते हैं। हालांकि प्रहलाद पटेल के नाम को लेकर और बल पड़ मिल गया है नरेंद्र सिंह तोमर को जिम्मेदारी मिलने से। बिल्कुल, इसके साथ एक सवाल ये भी जुड़ जाता है विकास की, आखिर अब मध्य प्रदेश बीजेपी को कितनी ज्यादा धार मिलेगी इन नए जिम्मेदारियों के तहत, इन नए नेताओं को जो जिम्मेदारी मिली है? देखिए, नरेंद्र सिंह तोमर संगठन से आए हुए नेता हैं, बहुत पुराने और मजबूत नेता हैं, मध्य प्रदेश में लोकप्रिय नेता हैं, क्षेत्रीय और जातीय समीकरण को साथ लेने वाले वो नेता हैं। अब ये कि जब नरेंद्र सिंह तोमर को चुनाव प्रबंध समिति की जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो अब ये साफ दिखाई दे रहा है कि आगे प्रदेश के अध्यक्ष की कमान किसी ऐसे व्यक्ति को दी जाए कि नरेंद्र सिंह तोमर और उसकी वजह से जातिगत समीकरण संतुलित हो जाए और क्षेत्रीय समीकरण संतुलित हो जाए। तो सबसे पहले तो अध्यक्ष की ही बदलने की बात है कि कब अध्यक्ष हो सकता है कि आजकल में अध्यक्ष के नाम की घोषणा भी बीजेपी की तरफ से कर दी जाए। उसके बाद प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं,
या तो उपाध्यक्ष है, महामंत्री है, मंत्री हैं, उसमें भी बदलाव होना है। अन्य भी जो दूसरे जो पदाधिकारी हैं उनमें भी बदलाव होना है और सारे बदलाव विधानसभा चुनाव और आगे होने वाले लोकसभा चुनाव के मध्य बिल्कुल आगामी चुनाव को देखते हुए यहाँ पर तैयारियां पुरजोर तरीके से देखने को मिल रही है, जिम्मेदारियां दी जा रही है, कई बदलाव हो रहे हैं, नजर बनी रहेगी कि क्या मजबूती ऐसे में पार्टी को मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास तमाम जानकारी देने के लिए। बढ़ेंगे आगे जहां बीजेपी नेता मनीष साहू ने की